घुग्घुस में गुड फ्राइडे के निमित्त सेंट थॉमस चर्च के ईसाई बांधवों ने शहर में रैली निकाली एवं प्रभु यीशु का संदेश जन जन तक पहुंचाया। सेंट थॉमस के चर्च के ईसाइयों ने गुड फ्राइडे रैली निकाली। गुड फ्राइडे के 40 दिन पहले से ही ईसाइयों के घरों में प्रार्थना और उपवास शुरू हो जाते हैं। इस व्रत में शाकाहारी खाना खाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन लोग चर्च जाते हैं और प्रभु यीशु को याद कर शोक मनाते हैं। गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से शांति की वाणी दी गई थी। यह संदेश जन कल्याण के लिए लोगों तक पहुंचाने हेतु घुग्घुस परिसर में गुड फ्राइडे के दिन रैली निकाली गई। यह रैली सेंट थॉमस चर्च से निकलकर राजीव रतन चौक, बस स्टॉप, कोल्ही हॉस्पिटल होते हुए रैली को वापस सेंट थॉमस चर्च में जाकर समाप्त किया गया। रैली में चर्च के फादर व अन्य लोगों ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए वचनों का संदेश लोगों तक पहुंचाया। इस समय सेंट थॉमस चर्च के छोटे बड़े सभी ईसाई अनुयायी व सत्ता विपक्षी नेता कार्यकर्ता गुड फ्राइडे की रैली में मौजूद थे। रैली में शामिल नागरिकों के लिए विभिन्न स्थानों पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। यह शरबत व पानी देकर भी उनका स्वागत किया गया। सीटी न्यूज के लिए हमारे विशेष संवाददाता प्रणय कुमार बंडी की यह पावन रिपोर्ट। का पुत्र जो यीशु मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर संसार में आया है और अभी परमेश्वर के दास होने और जो उन्होंने क्रूस के ऊपर में जो यात्राएं सही है, जो इस सारे संसार के लिए हम सभी के लिए वो यात्राएं इसलिए सहा है कि और वो गुनाहों को अपने ऊपर उसने इसलिए लिया है कि सारे संसार के मानव जाति का भला, उनका कल्याण हो।